बड़ी खबर हम आपको बता दें कि धनबाद राष्ट्रीय लोक जन शक्ति पार्टी झारखंड प्रदेश में अपनी पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर सभी जिलों में जिलाध्यक्षों की घोषणा कर चुकी है, जिसे लेकर आज धनबाद के परिषदन में प्रेस वार्ता कर प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राजू ने बताया कि रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी सुनीता देवी की जीत 15,000 वोटों से दर्ज करेगी। आज ही रामगढ़ चुनाव प्रचार के लिए जाएगी झारखंड में भाजपा आजसू और लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन है। रामगढ़ में पार्टी के कार्यकर्ता जान लगाकर अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने में लगे हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज ने कहा, साथ ही झारखंड के सभी जिले में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिला अध्यक्ष नियुक्त कर पार्टी की मजबूत कर रही है। आज धनबाद में भी जिला अध्यक्ष का फैसला कर लिया गया है। धनबाद दीनानाथ ठाकुर लोजपा के जिला अध्यक्ष होंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी झारखंड प्रदेश के द्वारा पूरे झारखंड में संगठन विस्तार को लेकर दौरा चल रहा है। साथ ही अभी रामगढ़ में उपचुनाव हो रहा है, उसमें भी मेरी पूरी पार्टी जो है वहां लगी हुई है, और यहां के बाद हम लोग रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सुनीता देवी के पक्ष में प्रचार करने जाएंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का 17 जिला में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है, जिसमें रांची में संजय कुमार सिंह जी हैं, रामगढ़ में राजकुमार रवानी जी हैं, हजारीबाग में मन्नू पासवान जी हैं, गिरिडीह में विनीत कुमार जी हैं, बोकारो में राजकुमार सिंह जी हैं, इसी तरह तमाम जगह में हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष बन गए हैं। और हम लोग जो है एनडीए का हिस्सा हैं, झारखंड में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा हैं, भारतीय जनता पार्टी, आजसू पार्टी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, ये तीन दलों का गठबंधन है। झारखंड में हमारे 5 सांसद हैं, श्री पशुपति कुमार पारस, प्रिंस राज, महबूब अली कैसर, बीना सिंह और चंदन सिंह। रामगढ़ उपचुनाव निश्चित रूप से हम लोग चुनाव जीतेंगे। जब अकेले लड़ी थी वहाँ पे आजसू, तब वो जो है दूसरे नंबर पर थी, आज जो है उसके साथ भाजपा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। हम मानते हैं कि जो है हम लोगों का भी वहाँ बहुत बड़ा संगठन है, और रामगढ़ में भारी अंतर से चुनाव हम लोग जीत रहे हैं, और हम लोग इसका पूरी पार्टी वहाँ पर लगी हुई है, और चुनाव संचालन समिति हम लोगों ने बना दिया, जिसके हम अध्यक्ष हैं, दीनानाथ ठाकुर जी उसके एक सदस्य हैं, और हमको पूरा का पूरा विश्वास है कि कम से कम जो है 15 से 20,000 मतों से हम लोग चुनाव जीतेंगे।